1911 में आज ही के दिन साहित्यकार वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन का जन्म हुआ था। 1945 में नागार्जुन ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। नागार्जुन मार्क्सवाद से गहरे प्रभावित रहे, लेकिन कुछ समय बाद मार्क्सवाद के तमाम रूप और रंग देखकर वो दुखी हो गए थे। इन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया, लेकिन जब जनता पार्टी विफल रही तो नागार्जुन ने जयप्रकाश को भी नहीं छोड़ा और कटाक्ष करते हुए लिखा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। रतिनाथ की चाची बल चन्मा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। 1969 में नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1917 में आज एक दिन भारतीय राजनीति के पितामह दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटेन में हुए आम चुनावों में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रिटानी सांसद बने थे। इन्होंने भारत में कांग्रेस की राजनीति का आधार तय किया था। 1886 में नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस वक्त इन्होंने कांग्रेस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। यह गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के सलाहकार भी थे। दादा भाई नौरोजी ने ज्ञान प्रसारक मंडली नाम से एक महिला हाई स्कूल खोला और 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1934 में आज एक दिन मशहूर रसायन वैज्ञानिक चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म हुआ था। इन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। बीते 5 दशकों में राव सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री पर 45 किताबें लिख चुके हैं और इन्हीं विषयों पर इनके 1500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में सी एन राव प्रधानमंत्री मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। राव को भारत रत्न पुरस्कार, भारत विज्ञान पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण समेत कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राव सी वी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद भारत रत्न हासिल करने वाले देश के तीसरे वैज्ञानिक हैं। 1971 में आज एक दिन अंतरिक्ष यान दुर्घटना में 3 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इन यात्रियों के शव कजाकिस्तान में उतरे उनके अंतरिक्ष कैप्सूल में पाए गए थे। हालांकि माना यही जा रहा था कि इस अंतरिक्ष कैप्सूल की लैंडिंग बेहतरीन और सुरक्षित हुई थी। इन अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर किसी भी तरह की शारीरिक क्षति या चोट के निशान नहीं पाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद मौत का सबसे ज्यादा संभावित कारण ऑक्सीजन की कमी को पाया गया। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 24 दिन बिताए थे, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। 1985 में लेबनान में आज ही के दिन अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया था। इन अमेरिकी बंधकों को शिया मुस्लिम अमल लड़ाकों ने बंधक बना रखा था। अमेरिका की सरकार ने रिहाई के बाद कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए लड़ाकों से कोई समझौता नहीं हुआ था। रिहा किए गए बंधकों को बेरूत से सीरिया की राजधानी दमिश्क तक रेड क्रॉस के काफिले में ले जाया गया। रिहा हुए बंधकों ने अमल लड़ाकों के अच्छे बर्ताव की भी बात कही। और 1997 में आज एक दिन हांगकांग ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। हैंडओवर के इस जलसे में ब्रिटेन की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, प्रिंस चार्ल्स और तमाम दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद थे, तो चीन की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग ज़ेमिन और हांगकांग में चीन के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव तुंग ची हा मौजूद थे। 1842 से 1898 के बीच 3 संधियों के जरिए ब्रिटेन के कब्जे में आया हांगकांग और उसके आसपास का इलाका करीब 150 वर्षों तक अंग्रेजी राज के अधीन रहा था।